ये लाइनें ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, सब आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ मेक श्योर आपको करना पड़ेगा कि ए लाइन सबसे ऊपर कौन है, यहाँ से ये है। तो मैं यही देखेगा जो लोअर सरफेस पे सबसे ऊपर कनेक्ट यही होगी लूप में। ओके तो ये होगा ए, ए से शुरू होगा ना ए, ये ए का ही पार्ट है, ए टू बोल देते इसको। ओके ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से ए की राइजर, इसको राइजर बोलते हैं। हाँ। और ये ए राइजर हो गया हाँ, ए ए टू ये बिग गियर लाइन है, इसका बहुत महत्व आएगा आपका पी वन पी टू में ही आता है, एक्सरसाइज करना पड़ती है। ठीक है, और ये होगा बी हाँ, ये सी, सी राइजर, ये डी राइजर। ओके और ये कंट्रोल लाइन। ओके से इस तरह बी से ए वन ए टू बी सी डी और कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन बोलो, स्टेरिंग बोल दो। ओके ब्रेक लाइन बोल दो। ओके बहुत से नाम। हाँ अब क्या है, ए का क्या काम है, जैसे ए राइजर है सबसे ऊपर है, तो सबसे ऊपर ये ग्लाइडर को हम लोग स्टार्ट में लॉन्च लिफ्ट मैं इसको पकड़ूंगा और ये कंट्रोल लाइन पकड़ूंगा और इसको मैं खींचूंगा ना, ये ऊपर आने लग पड़ेगा। लाइक देखो ऐसे करेक्ट, ये लॉन्च हो रहा है। हाँ और जो मैं पकड़ा ना ये सारा कंट्रोल मेरे हाथ में। हाँ इसको मैं देखा है जा रहा है, मेरी मर्जी है कहाँ लाना है, इसको गिराना है, ये सब हाथ नीचे कैसे आएगा सर, नीचे आएगा ये ब्रेक लेके, ब्रेक में पकड़ के रखूँगा ना। हाँ और इसको छोड़ दूंगा ऐसे राइट सर, मतलब एक का काम क्या है लिफ्ट अप। हाँ टेक ऑफ के लिए हाँ कंट्रोल इसी से, अगर मैं बी पकड़ूंगा ना ये उठेगा नहीं लाएगा, लॉन्च नहीं होगा। करेक्ट, तो ए का काम है लॉन्च। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड हो, लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग विंड है, बी से करेंगे, ए छोड़ के ए टू, ए टू को छोड़ के खाली ए से भी आता है। हाँ आ जाएगा हाँ राइट सर, बहुत स्ट्रेंथ लगेगा ना सर इसमें, नहीं लगेगा अब इसको मिल है स्ट्रेंथ वहाँ से। सर अभी अभी बट मैंने ऐसा पता लगाया था कि परफेक्ट वेदर है ना पैराग्लाइडिंग सीखने के लिए, प्रॉब्लम पी वन पी टू आप किसी भी मौसम में सीखो। अच्छा शुरू में क्या बताता हूँ, पी वन पी टू का 3-4 दिन ग्राउंड में होते हैं और आपको 5 फ्लाई देते हैं, फ्लाई हम अर्ली मॉर्निंग किसी मौसम में सुबह 10-11 बजे से पहले, बहुत काम विंड होता है सीखने के लिए परफेक्ट। जब आप जैसे आप क्रॉस कंट्री करना चाहो तो क्रॉस कंट्री होता है सर, सब कुछ होगा ना, जब आपने किया सर हो जाएगा, जब आप अभी ये कर रहा है, ये मेरा ही स्टूडेंट है तो दिल्ली से आपको अपना ही ग्लाइडर लेके अच्छा फ्लाई कर रहा है। तो ए का काम हो गया हमारा लिफ्ट अप, और बी का क्या हुआ, मतलब उन्होंने कभी सीखा सर, वो भी क्या क्रॉस कंट्री कर रहे सर, अभी तो फ्री फ्लायर हो गया ये सर। कैसे सर ये गवर्नमेंट कुछ पकड़ती नहीं है इसमें, क्यों परमिशन दिया ना इसके पास सर्टिफिकेट है, ये नीचे वाला क्रिप्टन ये भी मेरा स्टूडेंट है, सब अपना ग्लाइडर इसने भी अपना ले लिया, इसको भी गिरवा दिया, आप भी अच्छा सा करेंगे अपना लेंगे, ओम ओम ने अपना लिया, ओम के कज़न ने अपना लिया मुंबई में ही। सर मेरे को इतना सिखा देना कि मैं भी अपना ले पाऊँ और उड़ पाऊँ सर, मेरा वो सपना है। नहीं पाएगा भैया ये देखो, तो बी का काम बी एमरजेंसी, ठीक है बी में क्या होगा 90 डिग्री डिसेंट आता है, ये एमरजेंसी है। हाँ सपोज करो कि मैं कुछ फंस जाता हूँ सामने वायर ट्री, तो मैं क्या क्या करूँ उसमें, क्या करेंगे आप, तो बी ब्रेक नहीं नहीं ब्रेक से तो ब्रेक फुल ब्रेक लोगे आपका क्या होगा, स्टॉल में जाओगे, बैकबोन टू बैकबोन जाने का वर्क करेगा, और बैकबोन जाएगा तो पैरालिसिस, मतलब पूरी ज़िंदगी भर कोई ना कोई आदमी आपको संभालना पड़ेगा। कभी भी किसी भी सिचुएशन में ना हाइट में फुल ब्रेक नहीं लेना है, रोकने के लिए लेना पड़ता है एमरजेंसी में। पर मैं बताऊँ बी का काम क्या है, एमरजेंसी है इसको ज़्यादा, जैसे बी है अगर ऐसे फंस गया ना तो सबको छोड़ के बी को ये ऐसे होता ना बी को यहाँ लाते हैं, इसमें क्या होता है आप 90 डिग्री डिसेंट होगी। ओके फॉरवर्ड ग्लाइड नहीं होगा, फ्लाई बैक नहीं होगा, साइड वे भी नहीं जाएंगे, 90 डिग्री डिसेंट होगा, 90 डिग्री डिसेंट, और इसका इम्पैक्ट भी है, जैसे कि 10 फुट में आप जंप लगाते हो ना उतना इतना सॉफ्ट नहीं आएंगे कि उतर गए तो हर कोई सीधा आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो पर सिचुएशन बट सर एकदम ग्लाइड होके आना है तो कौन सा यूज़ करना है, ग्लाइड होके ही आते हैं ना, ये इमरजेंसी बताया मैंने कि आपको लगा कि बिल्कुल ही आप डिसीजन ले लिया गया और फंस गए हैं कि यार आगे रास्ता नहीं है और पीछे खेत है तो आप उतर सकते हैं, या सामने दीवार है या पावर लाइन है, पेड़ ट्री लैंडिंग तो अच्छा है, पेड़ दिखा तो पेड़ में चपके ठीक है, सपोज करो कि आगे बिजली की तार है उस सिचुएशन में क्या करोगे, टर्न कर दोगे, टर्न करने से इसका स्पीड दुगना हो जाता है तो भी हाथ पाँव टूटेगा,
तो उसके लिए इमरजेंसी है ये है। और सी हो गया जब ओवर, ये है ग्राउंड हैंडलिंग में, कभी अब हम लोग क्या है कि फ्लाई मैन ही है, ये क्या ओवर स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हो, गस्ते चलिए 40-50 की, वो हमारे फ्लाई वेल नहीं है। जब आप 30 प्लस विंड होगी ना, 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से विंड होगी, अगर आप कनेक्ट होंगे ना, कुछ भी नहीं करेंगे, आपका टेक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि रेगुलर विंड आपको, देखो मैं नहीं करूंगा ऐसे ना, इसको नहीं पकड़ा है ना मैंने, कुछ भी नहीं पकड़ा ना, अगर मैं इसको खड़ा करता हूँ, देखो अब मैं तो खड़ा हो जाता, करेक्ट करेक्ट, इसको तेज अब आएगी ना, आपका वेट है, ग्लाइडर तीन चीज़ों से चलता है, वेट, ड्रैग और लिफ्ट। वेट आपका है, ड्रैग अपने आप ही हो जाएगा, आपके हाथ इधर जाए ना ब्रेकों में, तो लिफ्ट, तो लिफ्ट के लिए तो बना ही है, करेक्ट करेक्ट। तो ये उसमें क्या करना है, सी राइजर लगा कि मेरे को ये उठा के ले जाएगा, मैंने कुछ नहीं करना, तो सी राइजर को पकड़ लेना और कुछ नहीं, उसमें अगर आप ब्रेक पकड़ोगे ना, टेक ऑफ हो जाएगा। अच्छा, हाँ, सब कुछ छोड़ के सी राइजर पकड़ते हैं, ठीक है। और डी राइजर का क्या काम है, जो जो देखो ये कंट्रोल लाइन के साथ है ना, इफ एनी केस, देखो कंट्रोल लाइन हमारी एक ही है, अगर ये टूट जाती है या ये ही लूप खुल जाता है, उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, डी राइजर से कंट्रोल होगा। इसका क्या है, प्रोसेस थोड़ा 2 सेकंड स्लो है, पर ये टर्न भी करेगा और ग्लाइडर को चलने में हेल्प करेगा। अगर मेरा स्टेयरिंग ही फ्री हो गया तो आप गाड़ी तो नहीं चला पाओगे ना, तो इससे क्या है, हमारे पास स्टेयरिंग के लिए एक और एक्स्ट्रा से ये है, क्योंकि एयर में तो ऑप्शन नहीं है, तो ये है डी राइजर, रियर राइजर बोलते हैं जिसमें, जो कंट्रोल लाइन के बहुत नज़दीक है, उसके साथ होता है, क्योंकि ये ट्रेलिंग है। और मैंने आपको ये व्हाइट वाला लीडिंग एज बताया था ना, और जो नीचे आके सबसे नीचे भी है ना, एक रेड है, ये ट्रेलिंग एज है, जो नीचे ये डी राइजर से काम करेगा। सर डी राइजर, एक सर मैं एक बार रिपीट कर दूं, ए से हमारा सारा कंट्रोल होता है, ए से हमारा ग्लाइडर लिफ्ट होता है, लिफ्ट होता है, A1, A2 ये हमारा स्टार्ट के लिए होता है, हाँ, एकदम स्टार्ट, नॉर्मल स्टार्ट के लिए, जैसे हमें फुट लॉन्च करते हैं हम लोग, हाँ, हमको जब टेक ऑफ करना है तो हम लोग को A1 और कंट्रोल लाइन पकड़ना है, कंट्रोल के साथ आपको, वो तो आप उससे पहले ये सीख जाएंगे, पर डी का है इमरजेंसी 90 डिग्री डिसेंट, एक एक्सरसाइज है। सी का है कि देखो ओवर स्ट्रॉन्ग, तो मैं क्या करूँगा, सब कुछ छोड़ के ये सी राइजर पकड़ूंगा, हाँ, तो ये उन क्या, इसका क्या डेप्थ होगा ना, ये ग्लाइडर का जो इतना है ना, ठीक है, ये सी यहाँ है, तो ये मुड़ जाएगा, अब आप घुसने वाला, तो ये फ्लाई वाला कंडीशन में रहेगा, ग्लाइडर आपके कंट्रोल में रहेगा। और डी राइजर से, डी का सी, डी से क्या होगा, अगर एक फेनिक कंट्रोल फेल हो, कंट्रोल लाइन फेल होती है, तो आप इससे स्टेबल कर सकते हैं सर, लाइक जैसे अभी मैं कंट्रोल लाइन नहीं लूँगा, ठीक है, मैं थोड़ा भी स्टेबल करके भी दिखाऊँगा आपको, ये तो कंट्रोल लाइन है सर, ऐसे जम्बल अप नहीं हो जाती है इतनी सारी वायर्स, ये सब करना पड़ता है उड़ने से पहले ना, ये अब मैं ये नीचे कंट्रोल लाइन पहले तो मैं ये कर रहा था ना, हाँ सर, अब मैं इसको ना करके मैं इसको ऐसे उठाऊंगा तो भी उठ जाएगा, ये देखो, अब देखो ये कंट्रोल लाइन नहीं लिया ना, हाँ, ये दो लिया ना, इससे भी उठ जाता है, कंट्रोल दिखाना है, पैनिक नहीं होना, ठीक है, ये हो गया आपका, चलो कम से कम एक्सरसाइज, इससे तो देख जल्दी कंट्रोल आ, देखो ना कंट्रोल लाइन है, यही तो स्टीयरिंग है, जहाँ ले जाएगा जैसे खींचेगा इसको वैसे ही आता है। और फिर रही ये तो पता है, हाँ, हेलमेट, इसको हम हार्नेस बोलते हैं, और इसको पहनेंगे कैसे, ऐसे जैकेट की तरह, ये है इसमें लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे पास किसी हार्नेस में एक ही लॉक होता है, जैसे यहाँ से होगा एक लाइक डी हो, जैसे है कोई कोई सब, मैंने बोला नहीं, मॉडल पे डिपेंड करता है कौन सा कंपनी बना रहा है, किसी में एक ही होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया मेरा यहाँ का चेस्ट का, यस सर, इसमें तीन लोग रहते हैं वैसे, हाँ, थाई का एक ऊपर एक नीचे, एक और एक लग गया तो एक और होना चाहिए, तो मेरा ये लॉक रहेगा, ये फंस जाएगा, तो मेरे को ढूंढ के, और इसको लगाना कैसे, ये सेंटर में है ना, प्लस टू लॉक, ठीक है, ऐसे करके, और अपने साइज के हिसाब से इसको हम लोग रख सकते, कैसे करेंगे, देख ये
और यहाँ से ढीला करना होगा तो इसको ताकत लगाना पड़ेगा। ये सब अपने साइज के हिसाब से आपको एडजस्ट कर सकते हैं सर। इवन ही यहाँ अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइट है तो इसको थोड़ा खुला कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट अपने नीड के हिसाब से। बिल्कुल सर। उसके बाद फिर हेलमेट पहले लगेगा, फिर यहाँ पे होता है कि हाउ टू कनेक्ट, हम कनेक्ट कैसे करेंगे इसको। ये तो मैंने पहन लिया, इसके बाद ये देखो जैसे इन्होंने हार्नेस पहन के ना, तो ये जो लूप मैंने बताया नहीं थे ये वाले, ये करो। और इसको लगाने का एक तरीका, मेक श्योर कि आपकी जो कंट्रोल लाइन है ना ये अंदर रहे, नहीं तो ये उलझ जाएगी। आपने बोला ना ये उलझती है। ओके। और इसके लिए ना ऐसे होना चाहिए, ये सब लाइनें क्लियर होनी चाहिए। अभी मेरे को तो पता चल क्लियर है ना, पर आपके ऐसे भी नहीं रहेगा, फुल टू पीछे का है। और क्या करना है देख, ये क्लियर होगी ना तो मेरे को ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे लाना है। ओके। और ऐसे ही पकड़ना, अगर ऐसे नहीं पकड़ा तो आपको टाइम लगेगा फिर, ठीक है। ऐसे पकड़ा तो इसका ये है कॉन्सेप्ट, ये ऐसे लगेगा। तो आदमी क्या करेगा फिर, इसको ये खुलता नहीं है ना, इसको खोलने का सो सिंपल है। इसको पहले क्या करेंगे, अप अप राउंड ये out. और इसके बाद देखना है कि इसको लगना ऐसे, ये श्योर करना है कि ये है और इसने लगना ऐसे। ओके। ये लग गया, अब दूसरा आ गया, दूसरा आ गया, इसको भी डिट्टो। ये देख, ये देखा, ये सबसे ऊपर है और ये कंट्रोल लाइन सबसे नीचे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ श्योर हो गया ना, तो फिर इसको फिर डिट्टो वैसे ही लगाना है। ये पकड़ा ऐसे और इसने जाना है ऐसे, तो ये इसको पहले आप, बट सर ऊपर से आएगा जैसे आप बता रहे हैं। नहीं तो नीचे से कर दोगे ना, ऊपर से इसलिए होता है ना कि आप पता लगता है कि हाँ ये अब आपने नीचे से किया।